आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं इंडिया और श्रीलंका के बीच में जो ये तीन ओडीआई मुकाबले खेले जाने हैं, इनकी लाइव स्ट्रीम कहाँ होने वाली है, लाइव टेलीकास्ट राइट्स कहाँ हैं। हालांकि ये सब आपको पता लग गया है पहले, लेकिन आज की वीडियो में ट्विस्ट ये है कि मैं बताने वाला हूँ कि डीडी फ्री डिश के कौन से चैनल पे आ रहा है और ये सारे मुकाबले आप कहाँ देख सकते हैं। तो वीडियो पे आखिरी तक बनी रहिएगा और साथ में बताऊँगा कि आप जुगाड़ से कैसे वॉच कर सकते हैं। चलिए शुरुआत करते हैं। और अगर हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो इसी तरीके के कंटेंट को अगर आप फॉलो करना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक ज़रूर देना। बेल आइकन ऑन करने का फ़ायदा ये होता है कि जब भी हम कोई अपडेट देते हैं सबसे पहले आपको मिल जाती है। तो पीछे जो तीन T20 हुई आपको पता ही है कि भारत ने क्लीन स्वीप कर दिया है श्रीलंका को, लेकिन आखिरी मैच इस तरीके से फंसा और यहाँ पे निकल के आए हैं हमारे सूर्य कुमार यादव बॉलर और साथ में हमारे रिंकू सिंह, ये भी बॉलिंग कर रहे हैं। भैया कमाल का टैलेंट इंडिया में आ चुका है। भैया नई जनरेशन जो T20 मुकाबले के लिए जा रही है, खेल रहे हैं T20 मुकाबले, बैटिंग तो आला कर ही रहे हैं, बॉलिंग से भी करिश्मा कर रहे हैं। ये मैच एक तरफा था, श्रीलंका चाहती तो इसको जीत सकती थी, लेकिन ऐसा बॉलिंग का प्रदर्शन रहा कि क्या बताऊं। दो ओवर में 9 रन चाहिए थे, रिंकू सिंह आए और रिंकू सिंह 3 रन, 3 विकेट, 2 विकेट, 6 रन चाहिए था, सूर्य कुमार यादव 5 रन देकर ओवर निकाल दिया मैच टाई। और उसके बाद तो फिर भाई आपको पता ही है आगे क्या हुआ, सूर्य कुमार यादव ने बैट से भी कमाल दिखाया। तो चलिए आपको आगे की डिटेल बताते हैं। तो यहाँ कप्तानी करते ओडीआई के लिए देखने वाले हैं रोहित शर्मा और उन्होंने प्रैक्टिस शुरू भी कर दी है, विराट कोहली ने भी तैयारी शुरू कर दी है। गौतम गंभीर और विराट कोहली के बीच में जो मनमुटाव था वो बिल्कुल खत्म हो चुका है, दोनों एक साथ ग्राउंड पे मस्ती करते नजर आए हैं। यानी अब जो टीम निकल के आएगी ना ओडीआई की और T20 की वो देखने लायक होगी, क्योंकि यहाँ पे गौती बाजी अब मिक्सर शुरू कर चुके हैं और यहाँ पे उपकप्तानी करते नजर आने वाले हैं। इस मैच में भी शुभमन गिल आपको देखने को मिलेंगे उपकप्तानी करते हुए। और यहाँ पे आपको ओडीआई देखने के लिए अगर लाइव टेलीकास्ट की बात करें, शेड्यूल की बात करें, शेड्यूल ये होने वाला है 2 अगस्त, 4 अगस्त, 7 अगस्त। टाइमिंग बात करें 2 बजे दोपहर से मैचेस शुरू हो जाएंगे। अगर आप इसे लाइव देखना चाहते हैं तो अगर टेलीविज़न पे देखना है तो आप सोनी के सोनी स्पोर्ट्स चैनल पे आप देख सकते हैं, इसका लाइव टेलीकास्ट होने वाला है। सोनी स्पोर्ट्स 1 और 5 पे आप इसे इंग्लिश में देखेंगे, सोनी स्पोर्ट्स 3 में आप इसे हिंदी पे देखेंगे, सोनी स्पोर्ट्स 4 पे तमिल तेलुगु में उपलब्ध रहेगा। मोबाइल यूजर्स के लिए बता दूँ कि सोनी लिप के ऑफिशियल एप्लीकेशन पर आप देख पाएंगे और सोनी लिप के ऑफिशियल वेबसाइट पर लैपटॉप कंप्यूटर यूज़र देख सकते हैं। अब बात कर लेते हैं कि टेलीविज़न पे कौन सा चैनल है डीडी फ्री डिश का जिसपे ये आपको लाइव देखने को मिलने वाला है। तो डीडी फ्री डिश पे डीडी स्पोर्ट्स पे बाकी मैचेस आते थे, लेकिन यहाँ थोड़ा सा ट्विस्ट है, डीडी स्पोर्ट्स पे बिल्कुल नहीं आएगा, ये मैच आ रहे हैं डीडी भारती पे। आप इसे डीडी भारती पे फ्री डिश चैनल में उपलब्ध रहेगा, आप देख सकते हैं। तो डीडी भारती आपको ट्यून करना है, वहाँ ये मैचेस आपको देखने को मिलने वाले हैं। अगर आप जुगाड़ से अपडेट लेना चाहते देखना चाहते उसके लिए आपको हमारे टेलीग्राम चैनल में ज्वाइन हो जाना है, मैच टाइम आपको जुगाड़ वगैरह दे दिया जाता है और आप इन्जॉय करवाएंगे। तो आज की वीडियो यहीं पर समाप्त करते हैं और जल्दी से जल्दी ट्रेनिंग टेलीग्राम को ज्वाइन करें, आ जाएं और हम ट्रेनिंग ट्रॉपिक्स जो होते हैं क्रिकेट के वो भी कवर करते हैं, अपडेट आपको सबसे पहले लाके देते हैं, क्रिकेट की सभी अपडेट वहां पे आपको मिल जाती है। आज की वीडियो समाप्त करने की इजाजत दें, नमस्कार दोस्तों।